हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो पाइथन प्रोग्राम क्या ये देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, यहां पर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूं। ये जुपिटर आईडी को ओपन कर लेता हूं और यहां से हम चलेंगे और न्यू फाइल लेते हैं। यहां पर वो क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पिछली बार पूछा जा चुका है, पिछले कई बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और इस तरह के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसी के लिए ये वीडियो बनाई। तो देखिए, यहां पर ये टपल है और टपल किस नाम से बना है, OBJ1। यहां पे OBJ1 दिखाई दे रहा है और यहां पे क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यानी 90 तक दिया गया है। और यहां पर देखिएगा, यहां पे प्रिंट करवाया गया है ओबीजी को, लेकिन यहां पर रुकिए, यहां पर 3 दिया गया है और कॉलम 7। 3 कॉलम 7 का मतलब क्या हुआ, पहले इतने का मतलब समझिए। देखिए, ये हो गया 0, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, यानी ये 3 पे आ रहा है, ठीक है, और ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो जब भी हम इस तरह की चीजें करते हैं तो ये लास्ट माइनस 1 हो जाता है, यानी 780 पे आ रहा है, तो लास्ट में 80 है, तो 80 माइनस 1 क्या होगा, 70, यहां पर आएगा, लास्ट इंडेक्स माइनस 1 हो जाता है, तो यहां पर ये आएगा, तो 70, यानी 40 और 70 तो प्रिंट होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, 40 तो प्रिंट ही हो जाएगा, लेकिन अब 70 का क्या चक्कर है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 3 स्टेप कहा गया है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, देख रहे हैं, यहां पर 40 के बाद ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये 3 स्टेप हो गया। तो 3 स्टेप होने का मतलब कि ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। तो 3 पे क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक है ना, और फिर ये हो गया 5, 6 और 7, 7 यानी 70 की बात कर रहा है, 30 और दूसरा 70, लेकिन यहाँ पे 3 का स्टेप है। तो यहाँ पे पहला जो हमारा विकल्प है, हमने यहाँ पे 0, 1, 2, 3 किस पे आ रहा है, 40, तो 40 तो प्रिंट ही करेगा। अब यहाँ से स्टेप चलना है 3, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है, ये क्या हो गया 1, 2, 3, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में 40 और 70 को ये प्रिंट करेगा। एक बार चला के देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 40 और 70 ही प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहां पर अगर मैं 2 कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मैं 2 कर देता हूं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो यहां पे 40 और 70 जो आ रहा है, तो अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, यानी 40 तो प्रिंट ही होगा। अब यहां पे 2 का स्टेप है, तो 1, 2 हो जाएगा, तो 40 और 60 को प्रिंट करेगा ये, समझ रहे बात को, तो ये 40 और 60, देखिए 40 और 60 को प्रिंट कर।